आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि वायु का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है या वो हो जाता है, तो ऑक्सीजन के अणुओं की इस तरह से माध्य गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये पूछा जा रहा है कि उसके संगत माध्य गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ती है, जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है या किस अनुपात पे होता है। तो दिया क्या क्या है, पहले तो हमें वायु के लिए ये मान दे रखा है कि यहाँ पर उसका ताप मतलब प्रारंभिक रूप से यदि T1 हम उसे लें तो वो 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। वो यहाँ पर ताप देने के पश्चात इसका मान T2 के रूप में 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर बदलते हैं पहले केल्विन पर। तो केल्विन पर बदलने के लिए हमें 273 इस पर जोड़ना होगा, तो दोनों पे हमने 273 इस तरह जोड़ा तो हमें कितना मिलता है, T1 का मान यहाँ पर 293 केल्विन मिलता है और दूसरा हमें इसका मान यहाँ पर 473 केल्विन मिलता है, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन के लिए उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होगी या क्या होगा उसका मान, वो हमें देखना होगा। तो पहले हम जानते हैं किसी गैस के लिए, मतलब गैसों के लिए यदि हम देखें तो माध्य गतिज ऊर्जा जो होती है हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसे हम यहाँ पर कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जिसका मान होता है 3:2 कैपिटल के टी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ये मान है क्या क्या, कि यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमें बोल्ट्जमैन नियतांक के मान को बता रहा है, जिसका मान नियत होता है और वो होता है किसके बराबर है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन नियतांक हमने ले लिया। अब ये होता क्या है, ये एक नियतांक का मान है जो यहाँ पर हम देखें R/N के अनुपात का मान होता है। तो R यहाँ पर सर्वाधिक गैस नियतांक को प्रदर्शित करता है, N यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम T के मान को देखें तो T यहाँ पर हमें परम ताप के मान को या गैस के लिए उसके ताप के मान को प्रदर्शित करता है, और 3/2 इस तरह से हम देखें, और KT ये क्या करेंगे, एक नियत मान को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसका मान नियत रहेगा, तो हम सीधे सीधे क्या देख पा रहे हैं, हमें सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि अनुपात के मान किस पर निर्भर कर रहे हैं, T पर। इस तरह से माध्य गतिज ऊर्जा का मान तापमान पर समानुपाती रूप से निर्भर करता है। कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि तापमान बढ़ने पर अनुपात किस तरह से गतिज ऊर्जा के यहाँ पर बढ़ते हैं, तो हमें क्या देखना होगा दूसरी स्थिति पर और उसकी तुलना करनी होगी पहली स्थिति से, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखें, उसके संगत इसके मान को T2 और पहले इसके मान को T1 हमने रखा, तो E2/E1 का मान हमें अनुपात के रूप में देखना है, तो वो किस तरह से बढ़ोतरी होगी वो हमें पता चल पाएगा। तो T2 का मान हमारे पास कितना, 473 केल्विन के रूप में, और नीचे हम उसके मान को देखें तो वो 293 केल्विन को बता रहा है। इस तरह से हमने इसके मान को हल किया तो हमें E2/E1 का मान कितना मिलता है, ये मिलता है हमें 1.614 के रूप में, ठीक है। तो ये हमें अनुपात जो मिला है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति पर जब तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हुआ 20 डिग्री सेल्सियस से, तो इस तरह जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान है 1.61 गुना यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, जो उनका अनुपात कितना होगा, तो उनका अनुपात हमें 1.61 के रूप में प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।